सिद्धू मूसेवाला कतल दे तार लगातार हरियाणा नाल जुड़दे हुए नज़र आ रहे हैं। सोनीपत फतेहाबाद तो बाद हुण पंजाब पुलिस सिरसा पहुंची है। सिरसा दे विच छापेमारी की गई है। दसिया जा रहा है कि जिस शख्स के वलों सिद्धू मूसेवाला की रेकी की गई सी सिरसा का रहने वाला है। इस दे चलदे पंजाब पुलिस सिरसा पहुंची है। दसिया जा रहा है कि सिरसा के पिंड तख्तमल का वो शख्स है जिस दे वलों सिद्धू मूसेवाला की उस दिन रेकी की गई सी, जिसने दसिया कि सिद्धू मूसेवाला घर तो निकल चुका है, हुण अगे जा रहा है। तो पूरी रेकी की वारदात को जिस शख्स के वलों अंजाम दिता गया सी सिरसा का रहने वाला दसिया जा रहा है, जिसके चलते पंजाब पुलिस सिरसा पहुंची है। हालांकि सिरसा जाके भी पंजाब पुलिस के हाथों शख्स नहीं लग्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि डेढ़ साल पहला ही उस शख्स के वलों पिंड छड़ दिता गया सी। हालांकि रिश्तेदार परिवारिक मैंबर तो पुछगिछ की जा रही है, होर वड्डे खुलासे करन की आशंका जताई जा रही है, पर पंजाब पुलिस के हाथ वो शख्स नहीं लग्या। दसे जा रहे कि 29 मई को गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाला का कतल कर दिता गया सी। हत्याकांड की साजिश जिहड़ी आ उह दिल्ली की तिहाड़ जेल ते राजस्थान के सिक्कर दे विच रचण की गल सामने आ रही है, जिसके चलते हरियाणा के लगातार पंजाब पुलिस कनैक्शन खंगालन की कोशिश कर रही है। तार जड़े ने हरियाणा के नाल जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड जी गड्डी बलैरो यूज़ की गई सी, जिसकी वरतों की गई सी, दसया जा रहा है कि वह वारदात तो 4 दिन पहला 25 मई को फतेहाबाद देखी गई सी। सी सी टी वी के तस्वीर सामने आई सन, जिस गड्डी बलैरो गड्डी जिस हमलावर सन, जिन्हों के वलों सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मार के कतल किया गया सी, वह गड्डी वेखी गई सी। हालांकि फतेहाबाद तो 2 गिरफ्तारियां हुण तक हो चुकिया ने। पवन ते नसीब नाम के शख्स ने जिन्हां दी गिरफ्तारियां हो चुकिया ने। दसे जा रहे कि इन्हां दे वल्लों ही बलैरो गड्डी जिहड़ी आ ओह बदमाशां नूं दवाई गई सी, अते उन्हां दे रहण सहण की व्यवस्था इन्हां दे वल्लों ही की गई सी, जिस तों बाद पंजाब पुलिस दी हरियाणा दे विच जांच जिहड़ी आ वध गई। लगातार हरियाणा दे विच पंजाब पुलिस दे वल्लों छापेमारी की गई आ। फतेहाबाद सोनीपत तों बाद हुण वड्डी खबर सामने आ रही है कि सिरसा पहुंची है पंजाब पुलिस, जिन्हां दे वल्लों उत्थे छापेमारी की गई। दसिया जा रहा है कि एक शख्स है जिसके वलों सिद्धू मूसेवाला की रेकी के किसी आरोप लगे ने। तख्तमल का रहने वाला शख्स दसे जा रहा है, जिसके वलों उस दिन पूरी रेकी करके सिद्धू मूसेवाला कदों घरों निकलिया, कितने पहुंचे, पूरी गलबात जी हमलावरों दसी गई सी। इस चलदे सिरसा पंजाब पुलिस पहुंची है। पंजाब पुलिस के वलों उस शख्स के नाल कनैक्शन जड़े ने वह खंगालन की कोशिश की जा रही, उसके परिवारक मैंबर भी गलबात की गई। हालांकि शख्स पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लग्या, पर कनैक्शन जड़े ने पंजाब पुलिस के वलों खंगालन कोशिश की जा रही है कि आखिर किवें इस शख्स के वलों हमलावरों को जानकारी दी गई सी, किवें रेकी की गई सी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के लगातार हरियाणा के जांच का दायरा पंजाब पुलिस का वधदा जा रहा है। सोनीपत फतेहाबाद तो बाद हुण सिरसा के भी पंजाब पुलिस के वलों छापेमारी की गई, उस शख्स की पछाण करन दी, उस शख्स की जानकारी हासिल करन दी कोशिश की जा रही है जिसके वलों रेकी की गई सी। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो। देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने। घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान। वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चंदबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले, रुस्से नु मनाना, प्यार मोहब्बत, बाबा यामीन बंगाली 96435-0321।